हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, विच इज़ स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज। ठीक है, सो द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज एंड द पैकेज अमाउंट टू ₹9,800 करोड़। ठीक है, अब इस पैकेज का एम क्या है? द एम ऑफ द पैकेज इज टू बूस्ट ग्रोथ इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर एंड देयर बाय मेक एनिमल हस्बेंड्री मोर रिमुनरेटिव टू फार्मर्स एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। इसका इस पैकेज का एक सीधा सा एम है कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उससे जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है फार्मर्स को, उसे इंक्रीज करना, उसे एनहांस करना। इट इंक्लूड द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोऑपरेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो देखिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पैकेज में। ठीक है, नाउ मोर इन्फॉर्मेशन। द पैकेज हैज़ बीन डिज़ाइन बाय रिवाइजिंग एंड रियलाइनिंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स में आता है, फार्मर वेलफेयर में आता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, स्टार्टिंग 2021-2022 से लेकर ये आपका चलेगा 2025-2026 के सेशन तक। ठीक है, और जो स्कीम्स है वो वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करी गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पे। ठीक है, इट इंक्लूड्स राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन एंड लाइफ स्टॉक सेंसस एंड इंटीग्रेटेड सैम्पल सर्वे LS, LC and ISS एज सब स्कीम्स। ओके, सो ये सारी आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर की सब स्कीम है। अब दूसरा है आपका डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए, अगर डिजीज़ नहीं होंगी तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका लाइफ स्टॉक है, जो आपका पूरा बोवाइन है, आपका पोल्ट्री एनिमल्स हैं, ये सब जब सुरक्षित रहेंगे तो अच्छा प्रोड्यूस होगा और उनके आपके जो डिजीज़ में पैसा लगता है वो भी नहीं लगेगा। सो इट इज़ अ विन विन पॉइंट। ओके, इट इज़ रीनेम्ड एज लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल, विच इंक्लूड द पेरेंट लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल LHNDC स्कीम एंड नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, तो इसे डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को रीनेम कर दिया गया है फ्रॉम डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम टू लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। ओके, जो आपका इंक्लूड करेगा, विच इंक्लूड द प्रेजेंट लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज स्कीम एंड नेशनल एलिमेंट डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक पैकेज। अभी जो पूरा पैकेज है, लाइफ स्टॉक सेक्टर का पैकेज है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर डिपेंड अपॉन एनिमल हस्बेंड्री फॉर देयर लाइवलीहुड, इट सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ ऑलमोस्ट 55% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो देखिए, जितने भी हमारे रूरल एरिया में लोग रहते हैं, 100% अगर हम लें पूरे रूरल एरिया के लोग, तो उन 100% में से 55%, मोर देन हाफ ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन दिस एनिमल हस्बेंड्री, दिस सेक्टर फॉर यू नो फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। ऑल्सो इंडिया इज द हाइएस्ट लाइव स्टॉक ओनर ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, फॉलोड बाय राजस्थान। As per the 20th livestock census, the total livestock population is 535.78 million in the country, showing an increase of 4.6% over livestock census 2012. देखिए, livestock census हर 5 साल में होता है, ठीक है? सबसे पहले हुआ था आई गेस 1919 में, ओके? तो ये जो 20th आपका livestock हुआ था 2012 में, इसके हिसाब से 4.6% की बढ़ोतरी हुई है आपके लाइफ स्टॉक की। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।